इंडिया क्राइम न्यूज़, मैं तुहाडा अपना गुरजंट सिंह। अज साडी टीम पहुंची आ श्री मुक्तसर साहिब। उत्थों दे पुलिस प्रशासन, डीसी साहिबान, एसएसपी साहिबान, वड्डे गुरद्वारा दरबार साहब जाके उत्थे नतमस्तक होए ते उत्थों दे जो शहरी वासी सिंह श्री मुक्तसर साहिब दे वक्ख वक्ख थावां ते जाके लोगों मास्क वंडे गए ते अवेयर किया गया करोना की महामारी लैके। इस तो बचना बहुत जरूरी है। डीसी साहिबान वालों, एसएसपी साहिबान वालों ते एडीसी वालों लोगों जागरूक किया गया ते मास्क वंडे गए। तुसी देखो इसकी पूरी रिपोर्ट। बस बाबा जी चले जाओ। ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹਮਾਰਾ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਪੁਲਿਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਟੀਮ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਦਾ ਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ। हमने पुलिस प्रशासन वालों जो मास्क पहन की जरूरत नू इंपॉर्टेंस नू लोगों नू स्ट्रेस करने के लिए हमने एक स्लोगन भी बनाया कि समय की मजबूरी है, मास्क पहनना है जरूरी। हमने सारे ताम पे इसको हमने बैनर्स भी रखे हुए। आज का दिन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वालों एक बहुत बढ़िया उपराला किया हुआ है डीसी साहब वालों कि 15 दिन के लिए इंटेंसिव मास्क डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम इन्होंने चलाया हुआ है। इसमें पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन का भी सहयोग रहेगा। पहले से जो हमारा मास्क डिस्ट्रीब्यूशन का मुहिम चल रही है वो इसको और इंटेंसिवली हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू मैडम। एक लास्ट क्वेश्चन है जी। मैडम, एक जिस तरह जिले के दो जवान पहले ही कोरोना के लिए कोरोना वॉरियर्स बन चुके हैं, जा चुके हैं, 40 तो वध पॉजिटिव है, पर अज सुबह देखा गया एक पोलिटिकल प्रोग्राम दे विच ओवर गैदरिंग सी, विचे मुलाजम सी, मास्क भी नहीं सी। मैडम, इहो जे मामले विच तुहाडा किहो जे एटीट्यूड रहूगा, अगे की कारवाई हो सकदी? नहीं जी, जिते जिते कोई वायलेशन दी गल सामने आ रही है आपां बहुत ज़्यादा हमारा पूरा पंजाब च आपां सैकंड नंबर पर हम हैगे कि जिते हम वायलेशन का परचा दे रहे हैं। पहले ये 430 परचा हमने दे चुके हैं जिते जिते कोरोना का वायलेशन है। तो आगे भी हमारा सख्त कार्रवाई रहेगी, जहाँ जहाँ पे भी कोई भी वायलेशन है हम सख्त कार्रवाई करेंगे। मैडम जी, एक जेडे घरेलू हिंसा च जेडे तुसी बोलिया सी भी औरतां नूं कोई तंग परेशान करदा, जेकर औरतां मान लो परिवार नूं तंग परेशान करदे उहदे बारे की? नॉर्मली हमारा देखो जी, जो हमारा 112 दा हेल्पलाइन है वो कल्ले औरत लई सारे सोसाइटी के बंदे के लिए, सो उसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम है एमरजेंसी प्रॉब्लम के लिए वो 112 नूं कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज कोई और प्रॉब्लम है थाना में जाके शिकायत या एसएसपी दफ्तर शिकायत दे सकते हैं। थैंक यू सर। पहुंचे जिला प्रशासन सर इन सत्याकाल। आज का ये प्रोग्राम है रेबर प्रोग्राम है, ये 15 दिन का प्रोग्राम है। सारे नु पता हुण बीमारी तो ज़्यादा बढ़ गया है, पर सोल्यूशन तो सारे नु पता है, वो वार वार रिमाइंड करने लिए असी 15 दिन इंटेंसिव प्रोग्राम रखा है। ये लोगों नू दोबारा सेंसिटाइज करांगा, मास्क पहनना बड़ा जरूरी है। अपने हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी, हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर भी अपील किया सारे लोगों नू, मास्क बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर वेले असी मास्क पाना है, इसके अलावा हाथ धोना है, दोनों चीज़ नू दोबारा सेंसिटाइज करके
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਸੈਂਪਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਸੈਂਪਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਸਪਤਾਲ ਮੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਮਲੋਡ ਗਿਦਰਬਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੇ ਹੈ किसी का कोई ज्यादा बीमारी लगती है पता है किसके पास ध्यान रखना सारे इंडिया क्राइम न्यूज जुर्म के